हेलो गाइस, आज बहुत दुख के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि मेरी सास का कल रात 13 तारीख की रात को 9 बजे स्वर्गवास हो चुका है। वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है इस दुनिया से, भगवान की दुनिया में। तो बहुत दुख की बात है। मेरी जिठानी के पास रहती थी मेरी सास, तो हम उनसे मिलने भी जाया करते थे बार बार। तो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती थी, सब कुछ ब्लॉग में नहीं दिखाया जाता। या आपको पता है, 2-4 दिन से बीमार थी, 5-7 दिन से। तो हम देखने भी जा रहे थे उनको डेली, मतलब मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मैं भी गई थी। बुधवार को रात को गए थे हम लोग, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वीरवार को नहीं जाके शुक्रवार को मेरे हस्बैंड फिर गए थे। फिर शनिवार को नहीं जाके इतवार को हम सब गए थे। इतवार को दिन में गए और उनसे मतलब ठीक थी वो, मतलब ठीक क्या थी, मतलब खाना नहीं खा रही थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनको दवाइयाँ मतलब कुछ नहीं था ना, बुखार उखार था, वीकनेस था। और डॉक्टर ने भी उन्हें देखने से मना कर दिया, बोला कि एज हो चुकी है 80+ की। मेरी सास थी तो 85+ की थी। और कल रात वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है। तो गाइड, मैंने सोचा आप तक मैं बता दूँ, आप तक ये वीडियो ब्लॉग में शेयर कर दूँ। वीडियो मैं कुछ समझ नहीं पा रही क्या बोल रहा है, और माफ़ी चाहती हूँ आपसे अगर मैंने कुछ गलत बोल रही हूँ तो। और हमारी सास का कल रात देहांत हो चुका है 13 अगस्त को। तो मैं अभी घर आई हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं, 5 बजे मैं घर आ गई थी और अभी बज रहे हैं, अभी 7, 7:30, 8 बज रहे हैं। मैं नहा धो के थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि हम पूरी रात, हम कल सो नहीं पाए। रात को उनकी 9 बजे डेथ हुई, तो पूरी रात उनके साथ बैठे रहे तो सोए नहीं, सो नहीं पाए। तो फिर आज उनका दाह संस्कार कर दिया सुबह 10 बजे लेके गए थे, तो सब लोग दाह संस्कार करके 2 बजे घर आ गए थे। और उसके बाद मैं क्या कहूँ, मुझे मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हमारे साथ बहुत मतलब हमारी सास थी, हमारे सर के ऊपर उनका हाथ था, हमारी बड़ी थी। तो वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है, हमारे लिए बहुत दुख की बात हो चुकी है। बहुत ही मतलब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, तो कुछ दिन तक मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, नहीं आ पाएंगे मेरे ब्लॉग आप तक। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ गाइस। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सास की आत्मा के लिए आप लोग प्रार्थना करना, कि उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे और उनको शांति दे। हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति देना। और जो भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैंने कुछ गलत बोला, तो मुझे आप लोग माफ़ कर देना। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बोलना चाहिए, या मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए ब्लॉग, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि आप तक मैं अपनी बात रखूँ, ताकि जैसे आप लोग सोचेंगे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, मेरे डेली ब्लॉग होते थे। तो मैं आप तक ये बताने का, मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं पा रहा मैं आपको मैसेज कैसे दूँ। तो मेरे को मतलब यही समझ में आया, मैंने आप तक ये बात शेयर की। तो अगर कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करना।